बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। पटना आई जी आई एम एस के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल रोड सिवान। बेरोजगारी और पलायन के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या कृषि से जुड़ी हुई है। क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बहुत बड़ी संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कृषि जो किसानों की यहाँ समस्या है उसको आप तात्कालिक और स्ट्रक्चरल दो भाग में बांट सकते हैं। तात्कालिक समस्या रास्ते में चलते हुए जो लोग बताते हैं उसमें खाद की अनुपलब्धता, यूरिया डीएपी पर जो ब्लैक मार्केटिंग कालाबाजारी हो रही है, खासकर यूरिया को लेकर 266-277 रुपए का यूरिया ज्यादातर लोगों को 500, 600, 700 रुपए में ही मिला है, और वो भी जब जरूरत थी और जितनी मात्रा में उनको चाहिए थी वो नहीं मिली है। ये समस्या पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के नेपाल से जो सीमावर्ती प्रखंड है वहां पर ज्यादा भयावह है। वहां पर यूरिया के लिए लोग 1000, 1200, 1500 रुपए भी देने लोगों को पड़े हैं। खाद बीज के अलावा जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या है वो है जल प्रबंधन की। ज्यादातर प्रखंडों में, सिवान में भी 14 प्रखंडों में लोगों ने ये समस्या बताई है कि उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। बिहार में राज्य के स्तर पर 50% से ज्यादा जमीन, खेती योग्य जमीन ऐसी है जिसमें बाढ़ आने की संभावना रहती है, जो बाढ़ प्रभावित है, और करीब करीब 30-35% जमीन ऐसी है जिसमें कि जिसके सूखा ग्रसित होने की संभावना है। तो किसानों का जो ये पूरा जो जल प्रबंधन है, आधे से ज्यादा जमीन बाढ़ से प्रभावित है और करीब 1/3 से ज्यादा जमीन सूखा प्रभावित है, ये एक बड़ी समस्या किसानों के लिए है। इन दोनों के साथ जो किसानों की स्थिति है, खेती किसानी करने वाले लोगों के जो यहाँ हालात है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो कारण है वो है यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। राष्ट्रीय औसत है 38%, मतलब देश में 38% लोगों के पास जमीन नहीं है, बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है। और जिन लोगों के पास 40% लोगों के पास जमीन है जो खेती करते हैं, उसमें से 91%, मतलब 36% लोग ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से, मतलब 1.5 बीघे से, 1.5 एकड़ से कम की खेती करते हैं। तो बिहार में जो खेती करने वाले लोग हैं 100 में 96 लोग या तो वो मजदूर हैं खेत में, या वो खाने वाली खेती करते हैं, कमाने वाली खेती नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग इतने छोटे किसान हैं कि या तो वो खेत में मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं, या जो वही फसल उगाते हैं जिससे उनके और उनके बाल बच्चों का पेट भर सके। खेती उनके लिए कमाई का या गरीबी से निकलने का जरिया नहीं है, पेट भरने का जरिया है। सिर्फ 4-5% ही किसान ऐसे हैं बिहार में, इस बात को आप आंकड़े को ध्यान से सुन लीजिए, 4-5% ही किसान ऐसे हैं जिनके लिए खेती एक तरह से व्यवसाय है या कमाने का जरिया है। बाकी जो लोग खेती से जुड़े हैं या तो वो खेतिहर मजदूर हैं या खेती सिर्फ अपना पेट, अपने और अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए कर रहे हैं।